जी अब मशीन कॉस्टिंग द 50,000 डेप्रिशिएशन, मशीन कॉस्टिंग 50,000 डेप्रिशिएट एट द कॉन्स्टेंट रेट ऑफ द 8%, व्हाट इज द डेप्रिशिएशन चार्जिंग फॉर द 8th ईयर? मतलब 8वें साल में कौन सा क्या रहेगा डेप्रिशिएशन चार्ज? इफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज द 10 ईयर्स, डिटरमाइन द स्क्रैप वैल्यू. क्लियर है बच्चे इस क्वेश्चन को? ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो. देखो एक डिमिनिशिंग मेथड क्या होता है इसको जरा समझिए तो फॉर्मूला समझ में आएगा आपको. एक मेथड होता है बच्चे डिमिनिशिंग मेथड. ये क्या होता है, लाइक मेरे पास में कॉस्ट ऑफ एसेट्स 10,000 रुपीज है, डेप्रिसिएशन एवरी ईयर में 10% अप्लाई करता हूं 3 ईयर्स के लिए. तो मेरे पास में मेरे क्वेश्चन ये है कि 3 ईयर्स के बाद बुक वैल्यू क्या होगी, मतलब बुक वैल्यू मीन्स क्या, 3 साल के बाद क्या वैल्यू उसकी रह जाएगी, इसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं. ठीक है, तो कैसे करोगे? डिमिनिशिंग मेथड क्या होता है पहले वो समझो, फिर फॉर्मूला क्रिएट करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले साल 10% आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो इसका कितना हो गया 1,000. अब आपके पास में जो वैल्यू बचेगा बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आप बोल दें, जो बुक वैल्यू है लास्ट में 9,000. फिर से इस पे 10% आप डेप्रिसिएशन मारोगे, तो डेप्रिसिएशन आप अप्लाई करोगे तो ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू पे नहीं मारोगे, जो अब आपके पास में बुक वैल्यू रह गई है आप उस पे मारोगे, ये बुक वैल्यू है. ठीक है, तो 10% कितना हो गया आपका 900, तो 8100 रुपये हो गया. थर्ड ईयर आपके पास में 3 साल इसकी लाइफ आप अपने पास में रख रहे हो, डेप मार दिया तो 810 का डेप लगेगा. ये बुक वैल्यू आई थी ना, अब बुक वैल्यू कितनी आएगी 0, 10 में से 1 गया 9, और 10 में से 8 गया 2, 7,290. ठीक है, तो ये आपके पास में क्या बचेगी, ये आपके पास में फाइनली स्क्रैप वैल्यू बची है. इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे बच्चे, स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 माइनस डेप्रिसिएशन, जिसको कि आप जो है रेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, और इक्वल्स टू 3 ईयर, तो आफ्टर 3 ईयर स्क्रैप वैल्यू क्या आएगी, एस इक्वल्स टू आपके पास में 10,000 है ना, 1 माइनस 10%, तो 10% क्या है आपके पास में बेसिकली 0.10 कर सकते हो. ठीक है बच्चे, पावर 3 सॉल्व करेंगे, स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू 1000 इक्वल्स टू 0.90 रेज टू पावर 3, ये 0.9 भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 1000 इंटू 0.9 पावर 3 है ना, कर देते हैं यार फर्क पड़ता है इससे. कैलकुलेटर महाराज जी कहाँ है, .09 10,000 है हमारे पास में. स्क्रैप वैल्यू तो चलिए 10,000 इंटू 0.90 1 2 3 एक सेकेंड,
एक सेकंड बच्चे, कैलकुलेटर में गड़बड़ हो रही है। देखो एस इक्वल्स टू 90 इंटू 0.90, तो क्या है आपके पास पे एस इक्वल्स टू 10,000 0.6561 0.90 इसको सॉल्व करेंगे आप, पॉइंट कैलकुलेटर थोड़ा स्टक सा हो रहा है। 90 क्लियर है, यहाँ पे 1 है ना, अभी 3 है, जब तक यहाँ पे 4 आ जाएगा तब तक करना है। इक्वल मल्टीप्लाइन इक्वल्स टू, पहले बता चुका हूँ मैं कितना है मेरे पास में 0.729, एंड सॉल्व करेंगे एस इक्वल्स टू कितना जाएगा 7290। ये क्या आ गया आपके पास में, आपका ये स्क्रैप वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चे, ठीक है, इस पे क्या है कि आपके पास पे 0.90 इंटू इक्वल्स टू कितनी बार प्रेस करें वो छोड़ो, यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे आपका 4 लिखा हुआ आना चाहिए, बस। क्लियर है बच्चे, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आप मशीन कोस्टिंग सी इक्वल्स टू क्या है 50,000 रुपीस, डेप्रिशिएशन एट अ कॉन्स्टेंट रेट आर इक्वल्स टू 8% जो कि 0.08 हो जाएगा। व्हाट इज द डेप्रिशिएशन चार्ज फॉर द 8th ईयर, डेप्रिशिएशन चार्ज फॉर द 8th ईयर क्या पूछ रहा है, डेप्रिशिएशन चार्ज फॉर 8 years के 8वें साल में कितना डेप्रिशिएशन लगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि तीसरे साल में कितना डेप्रिशिएशन लगा ये बताओ, तीसरे साल का। एक तो होता है कि तीनों साल का कितना डेप्रिशिएशन लगा, तो तीनों साल का डेप्रिशिएशन तो बता सकते हो आप, कितना 10,000 का सामान था, 7,290 रुपये का हो गया आपके पास में, तो इसमें से आप इसका डिफरेंस ले लो तो जो डिफरेंस आएगा वो 3 साल का आपका डेप्रिशिएशन आ जाएगा। बट 3 साल का डेप्रिशिएशन एक अलग चीज़ होता है, 3rd ईयर का डेप्रिशिएशन बताओ कितना है। तो 3rd ईयर का डेप्रिशिएशन के लिए आप क्या बताओगे कि 3 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 7290, और 2 ईयर्स के बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 8100, 2 साल का स्क्रैप वैल्यू, 3 साल का स्क्रैप वैल्यू, डिफरेंस लेंगे तो 3rd ईयर में कितना है, 10 में से 9 गया 1, 10 में 2 गया 8, तो 810 रुपये 3rd ईयर का आपका डेप्रिशिएशन लगा है। देखो तो क्या ये 3rd ईयर का डेप कैसे निकला आपका, ये आपके पास सबसे पहले स्क्रैप वैल्यू किसका 2nd का, और स्क्रैप वैल्यू किसका 3rd का, माइनस कर दिया आपने, ठीक है, तो आपके पास में क्या आया डेप्रिशिएशन 3rd ईयर का आ गया। सिमिलर इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिशिएशन 8 ईयर का निकालना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे स्क्रैप वैल्यू 7 ईयर की है ना, तो कैसे निकालोगे 1 - r⁻⁷। क्लियर है, बात समझ में आया बच्चे,
तो चलो पहले ये निकाल लेते हैं हम, तो स्क्रैप वैल्यू 7 ईयर की आपके पास पे कितनी है, पहले फिर कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स 1 माइनस 0.08 रेज टू पावर 7 एस इक्वल्स टू 50,000। अब सॉल्व करेंगे जीरो पॉइंट नाइन टू रेज टू पावर 7 एंड एस इक्वल्स टू 50,000 0.92 इंटू पावर 7 है ना, इक्वल प्रेस करते रहो जब तक 8 नहीं आ जाए, तो क्या है 0.5578, बस 4 डिजिट बहुत है, 0.5578 इंटू 50,000, तो S इक्वल्स टू क्या आ गया 27890। क्लियर है बच्चे? अब इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, आपको स्क्रैप वैल्यू 8 साल के बाद क्या स्क्रैप वैल्यू रह जाएगी, 1 माइनस R S इक्वल्स टू 50,000 1 माइनस 0.08 एस इक्वल्स टू 50,000 0.92 पावर 8 एंड एस इक्वल्स टू 50,000 0.92 मल्टीप्लाई बाय 8 होना, तो यहाँ पे 9 तक, तो क्या आ गया आपके पास में 0.5132 स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू 0.5132 इंटू 50,000 25660। क्लियर है बच्चे? अब मुझे क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन ऑफ 8th ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ 8th ईयर, तो आपके पास में स्क्रैप वैल्यू 7th ईयर की क्या है 27890 माइनस 25660 एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 8th ईयर क्या आ जाएगा आपके पास में 27890 माइनस 25660, तो आंसर है 2230। ये बात समझ में आ गई आपको? तो एक क्वेश्चन तो ये था। अगला क्वेश्चन, इफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज द 10 ईयर्स डिटरमाइन द स्क्रैप वैल्यू। अगला क्वेश्चन ये है, इस पे एक और क्वेश्चन है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो आपको गिवन है 50,000, रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन रेट है वो आपका है 8% जो कि 0.08 है और एन इक्वल्स टू इसका 10 ईयर है और स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है, तो स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू सी 1 माइनस आर रेज टू पावर एन, तो आपके पास में 50,000 है, 1 माइनस रेट 0.08 और रेज टू पावर एन, जीरो पॉइंट 4343, ठीक है बच्चे, 0.4343 इंटू 50,000, तो स्क्रैप वैल्यू क्या बचेगी 21715, तो 21,715 रुपये इसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी। क्लियर है?